नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नए वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद जरूरी और आपके काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी बात बता दें कि भारत में इस समय कोरोना वायरस के केसेस 2,61,000 से भी ऊपर हो चुके हैं। रोजाना बेसिस पर कोरोना वायरस के केसेस यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं और मरने वाले लोगों की संख्या भी यहां पर तेजी से बढ़ रही है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम आपको ये बता रहे हैं कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल बने, घर में रहें, बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बाहर निकले। वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पर एयरलाइंस और ट्रैवल से पहली जानकारी ले लेते हैं, जिसमें कि पहली जानकारी आ रही है हांगकांग से। आप में से जो लोग भी हांगकांग के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि हांगकांग की सरकार भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखकर अगले 2 सप्ताह के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भारत के साथ बंद कर दिया है। यानी कि यदि आप भारत से हांगकांग के लिए ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे थे, तो अब आप भारत से हांगकांग के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। भारत के अलावा ये प्रतिबंध हांगकांग की सरकार ने पाकिस्तान और फिलीपींस के ऊपर भी लगा दिया है, कि इन दोनों देशों में भी कोरोना वायरस के सेकेंड वेरियंट के कारण काफी ज्यादा मात्रा में कोरोना के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हांगकांग की सरकार इस प्रतिबंध को लागू कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि आप में से जो लोग हांगकांग जा चुके हैं और जो लोग इस समय क्वारंटीन में हैं, उनको यहाँ पर क्वारंटीन खत्म करने के बाद 26वें दिन फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ पर ये खबर आ रही है, दिल्ली सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी पैसेंजर्स को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लाने को मैंडेटरी रखा था, कि जितने भी पैसेंजर्स महाराष्ट्र से ट्रैवल करके दिल्ली आ रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स को अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। और ये नियम भारत की सभी एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर लागू हो रहा था, लेकिन आपको बता दें कि भारत की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट, एयर एशिया, इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार के द्वारा बनाए गए नियम का पालन नहीं किया, तो अब इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है और अब इनके ऊपर लीगली कार्यवाही की जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब दिल्ली सरकार के द्वारा इन चारों एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि ये चारों एयरलाइंस कंपनियां सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का सही से पालन नहीं कर रही थी। फ्रेंड्स, यदि आप भी डोमेस्टिक फ्लाइट से ट्रैवल करके कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जरूर ट्रैवल करें, क्योंकि भारत के लगभग सभी एयरपोर्ट्स ने ये जरूरी कर दिया है कि यदि आप भारत के किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही आए। अच्छा रहेगा कि आप एक बार एयरलाइंस कंपनियों से भी ये कंफर्म कर ले कि आप जिस राज्य में ट्रैवल कर रहे हैं, उस राज्य में क्या कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आपको ट्रैवल करना जरूरी है या फिर नहीं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए एक फ्लाइट जिसमें कि 170 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि इस फ्लाइट की यात्रा के दौरान विमान में एक हैंड रिटन नोट पाया गया, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि जैसे ही ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचेगा, वैसे ही इस विमान को बम से उड़ा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस नोट के मिलने के बाद विमान में काफी ज्यादा डर का माहौल था, लेकिन फिर भी विमान को सुरक्षित दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। उसके बाद फिर इस विमान की पूरे तरीके से जांच की गई, लेकिन इस विमान में कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन इस हैंड रिटन नोट के पाए जाने के बाद उस विमान के 12 यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया और उनसे फिर सवाल किया गया और उसके बाद उनके हैंड रिटन के सैंपल भी लिए गए। इसमें अभी भी जांच चल रही है और ये पता लगाया जाएगा कि ये हैंड रिटन नोट किसने लिखा है। आपको बता दें कि यदि आप भी इस तरीके से कोई भी काम करते हैं या फिर किसी भी तरीके से कोई भी धमकी देते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी कार्यवाही कानूनी हो सकती है, जिससे कि आप आगे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर फ्रांस को लेकर आ रही है। फ्रांस की सरकार ने दुनिया के 4 देशों से आने वाले लोगों को 10 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया है। इन 4 देशों में शामिल है अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और साउथ अफ्रीका।
यदि आप इन चार देशों से ट्रैवल करके फ्रांस में आएंगे तो फिर आपको 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना कंपलसरी रहेगा। इसके साथ साथ अगली खबर यहां पर फ्रांस को लेकर आ रही है। तो फ्रांस की सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 21 अप्रैल से शुरू करेगी, लेकिन अब यहां पर उसकी डेट को बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया है। आपको बता दें कि फिलीपींस ने अभी तक अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू नहीं की है। इस समय भारत से भी हजारों लोग फिलीपींस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिस कारण से भारत के लोग इस समय फ्रांस में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि यदि फ्रांस 30 अप्रैल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करेगी तो फिर भारत के लोग फ्रांस में ट्रैवल करके जा सकेंगे। अगली खबर यहां पर वैक्सीन को लेकर आ रही है। वैक्सीन को लेकर भारत सरकार ने यहां पर एक डेटा जारी किया है, जिस डेटा के अनुसार भारत यहां पर दुनिया के सभी देशों से आगे है वैक्सीन लगाने के मामले में। आ रही रिपोर्ट के अनुसार भारत में 12 दिन में 92 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कि भारत ने अमेरिका और चाइना से भी पहले अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगा दिया है। अमेरिका ने इसी वैक्सीन को लगाने के लिए 97 डेज लिए थे और वहीं चाइना ने इस वैक्सीन को लगाने के लिए 102 दिन लिए थे, लेकिन भारत ने यहां पर 92 डेज यानी कि 92 दिन में ही 12 करोड़ वैक्सीन लोगों को लगा चुकी है। लेकिन बुरी खबर ये है कि इतनी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन लगाने के बाद भी भारत में इस समय हालत बहुत खराब हो रही है और भारत में इस समय रोजाना बेसिस पर 2,61,000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और बीते कल भी भारत में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 1500 से भी ज्यादा रिपोर्ट की गई है। हम यहां पर आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए आप अपने घरों से बाहर ना निकले, यदि बाहर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाकर निकले। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो के आखिरी में आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ये सवाल आ रहे हैं कि यदि हम दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं और हमने अपने ऊपर वैक्सीन लगवा रखी है तो भारत में आने के बाद क्या नियम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि यदि आप अपने ऊपर दोनों वैक्सीन लगवा कर आ रहे हैं तो भी आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना कंपलसरी है, और आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो फिर आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं यदि आपने वैक्सीन की एक डोज लगवा रखी है तो फिर आपको मुंबई एयरपोर्ट पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा अगला सवाल ये है जो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण क्या दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग के दौरान ये बात साफ साफ बोल दिया था कि भारत फिर दोबारा से लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएगा। भले ही इस समय भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत में इस समय संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। ये सारी बात उन्होंने साफ साफ बोल दी है। इसके अलावा दोस्तों आपके और सारे भी सवाल आ रहे थे जिसका जवाब देना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। बीते कल भी हमने आपके सवालों के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर आ रहे आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए सभी जरूरी सवालों का जवाब दे दिया है। इसके अलावा यदि आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दे दें या फिर हम वीडियो के माध्यम से भी आपको उसकी जानकारी दे देंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।